हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम बोल देते हैं ETC। अब देखिए, ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होते हैं। बेसिकली जैसा कि नाम से हमें पता लग रहा है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये एक ऐसी चेन है, ये एक ऐसी प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं। इतना तो हमें नाम से पता लग रहा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसको और अच्छे से पढ़ेंगे कि भाई कहाँ से वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से होते हैं और वो कहाँ ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, बेसिकली उसमें होता क्या है। अगर आप उसकी इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की डेफिनेशन पे जाओगे तो वह है कि द एनर्जी रिच कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड अंडरगोज अ सीरीज ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड फाइनली गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, पूरी रिएक्शन ये होती है आपकी। इसमें जो मेन इन्वॉल्वमेंट है वो है आपका माइटोकॉन्ड्रिया का। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि भाई माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या होता है आपका। ठीक है, ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। वैसे पहले मैं बेसिकली ये मान लो आपका सेल है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, ये है आपका सेल। ठीक है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये आपको पता है। ठीक है, इसमें आपके ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, गॉल्जी ऑपरेटस होते हैं। ठीक है, इसे करके गॉल्जी ऑपरेटस होते हैं आपके, और उसमें आपका लाइसोसोम, राइबोसोम वगैरह बहुत कुछ होता है। और साइड में यहाँ पर इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इस तरह से बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस माइटोकॉन्ड्रिया को ऐसे जूम करूँगा। अब मेरे पास वाला स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं इसको जूम करूँ और ऐसे से बड़ा सा खुल जाए, तो हम इसको हाइपोथेटिकली जूम करेंगे। ठीक है, अब मैं इसको बड़ा करके दिखाऊँगा आपको कि ये माइटोकॉन्ड्रिया हमारा कैसे होता है और इसके अंदर ये प्रोसेस होती है, इसमें ये प्रोसेस होती है जिसका नाम है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये है अपनी प्यारी माइटो, इसकी भी अपनी एक स्टोरी है, कभी बताऊंगा, दुख भरी दास्तान है इसकी। उसके बाद इसमें आपका इसको ये जो सबसे बाहर की लेयर है, ये टोटल ये पूरा स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का है। ठीक है, लेकिन जो इसकी बाहर की लेयर है, ठीक है, इस लेयर का नाम है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, बाहर है क्योंकि इसका नाम है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन होती है लेकिन वो फोल्डेड फॉर्म में होती है। ठीक है, इसके अंदर भी एक मेम्ब्रेन होती है, वो ऐसे फोल्डेड फॉर्म में होती है आपके इस तरह से। ठीक है, अब और इसका नाम क्या होता है आपका, इनर माइट्रो इनर मेम्ब्रेन, इसको आप मान लो इनर मेम्ब्रेन बोल दो। ठीक है, ये हो गई आपकी इनर मेम्ब्रेन, भाई अंदर है तो इनर मेम्ब्रेन ही होगी आपकी। ठीक है, बीच का जो ये पूरा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसका नाम ये होता है मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद ये जो फोल्डिंग स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टी। ठीक है, उसके बाद आपका और क्या बचा इसमें, अरे यार, हाँ जी, तो मैं बोल रहा था, बीच में लाइट चली गई थी, तो मैं बोल रहा था ये है आपका क्रिस्टी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अब ये हमें समझना है मेन। अब है, ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से समझना, इसमें बेसिकली होता क्या है कि अगर आप इस एरिया को देखो, इस स्पेसिफिक एरिया को, ठीक है, इसको भी अगर आप जूम करोगे तो यहाँ पर पूरी ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की रिएक्शन होती है इस एरिया में। या इसको अगर आप थोड़ा और वो कर लें, ऐसे अगर बड़ा कर लो, तो यहाँ पर ये पूरी रिएक्शन होती है। ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन मैंने आपको बता दी है। अब क्या रिएक्शन होती है, कैसे होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, अब ध्यान से समझना इसमें क्या है। इसमें जो है 5 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4 और 5,
वन टू थ्री फोर जो होते हैं आपके, ये क्या करते हैं आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में हेल्प करते हैं, और जो फाइव वाला है वो बाद में एनर्जी जनरेट करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वन टू थ्री थ्री फोर मैंने चारों के बारे में लिखा हुआ है, अगर आप आपको अगर इनके स्पेसिफिक नाम याद हो गए हैं ठीक है, तो आप जो है इसके बारे में पता कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है आपका। ठीक है, अब इसमें क्या होता है बेसिकली देखिए, दो इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप भी होते हैं। ठीक है, एफ एम एन और एफ ई एस। अब ये एफ एम एन क्या होता है, एफ ई एस क्या होता है, ये मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। सब काम मैं थोड़ी बताऊंगा सब कुछ। खैर, अब ये एन ए डी एच, अब ये एन ए डी एच कहाँ से आया, ये कंसेप्ट की बात है। देखो, एन ए डी एच जो है आपका, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ग्लाइकोलिसिस की सिंथेसिस होती है हमारी, जिसमें जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है पाइरूवेट में, और ये पूरी रिएक्शन होती है आपकी सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक, उसके बाद फिर जो पाइरूवेट है आपका, ये अंदर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ये क्या है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पाइरूवेट एसिटाइल कोए के साथ रिएक्ट करके अंदर जाता है, सिट्रेट में चेंज होता है, फिर फाइनली ऑक्सैलो एसिटेट में चेंज होता है। मतलब यहाँ पर जो अंदर होती है रिएक्शन, क्रैब्स साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल की रिएक्शन होती है यहाँ पर। ठीक है, उससे जो है जनरेट होता है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो एन ए डी एच उससे जनरेट होता है, एफ ए डी एच टू उससे जनरेट होता है। ठीक है, उसके बाद यही जो एन ए डी एच है, एफ ए डी एस टू है, ये जो है फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो यहाँ पर होती है आपकी, इसमें हेल्प करते हैं, ई टी सी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन है, इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है किसमें, एफ एम एन में, उसके बाद फिर एफ ई एस में, ये जो दो प्रोस्थेटिक ग्रुप है, और फिर कोक क्यू। ठीक है, ये कोक क्यू एज एन एंजाइम आप समझ सकते हो। ठीक है, तो अगर आप इसका नाम ध्यान से रखोगे तो ध्यान रखोगे तो एन ए डी एच कोक क्यू रिडक्टेज, इसमें क्या है जो इलेक्ट्रॉन है आपका, जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है ये, जो इलेक्ट्रॉन है वो कोक क्यू में जो है रिड्यूस हो जाएगी, इजी सा है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है आपका कॉम्प्लेक्स टू, ये तो कॉम्प्लेक्स वन हो गया, दूसरा है कॉम्प्लेक्स टू। कॉम्प्लेक्स टू उसका नाम है सक्सीनेट कोक क्यू रिडक्टेज। ठीक है, इसमें क्या है, जो सक्सीनेट है, ये सक्सीनेट भी यहीं से आ रहा है क्रैब साइकिल से, जो सक्सीनेट है आपका वो चेंज होगा एफ ए डी में, और उसके बाद फिर एफ ई एस में और को क्यू। ठीक है, इसको भी आप याद कर सकते हैं, सक्सीनेट को क्यू रिडक्टेज, जिसमें सक्सीनेट जो है को क्यू में रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद तीसरा है आपका, अगर आप बुक में देखोगे, स्ट्रक्चर देखोगे तो काफी ज्यादा आपको और ज्यादा क्लमजी सा मिल जाएगा, मैंने थोड़ा इजी कर दिया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स थर्ड में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, कोक्यू साइटोक्रोम सी रिडक्टेज, इसमें क्या हो रहा है, जो कोक्यू है आपका वो साइटोसोम साइटोक्रोम सी में रिड्यूस हो रहा है आपका। और उसके बाद कॉम्प्लेक्स फोर्थ, लास्ट जो कॉम्प्लेक्स है आपका चौथा, उसमें क्या हो रहा है, जो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, इसमें जो साइटोक्रोम है ये ऑक्सीडेज हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है आपका। ठीक है, इतना सा ये पूरा वो है, ये क्या है आपके कॉम्प्लेक्स वन टू थ्री फोर। अब है आपका कॉम्प्लेक्स फाइव, अभी जो कॉम्प्लेक्स फाइव है फॉस्फोराइलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वाले चैप्टर में जो हम नेक्स्ट टॉपिक अपना जो स्टार्ट करेंगे उसमें भी मैं थोड़ा सा इसको टच करूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये जो कॉम्प्लेक्स फाइव है आपका, कॉम्प्लेक्स फाइव जो है आपका वो सिर्फ क्या करता है, एटीपी जनरेट करता है, एटीपी सिंथेस। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका एटीपी कैसे सिंथेसिस, एटीपी के कैसे करेगा, एडीपी से, एडीपी से कैसे करेगा, जब एडीपी में जो है एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप रिलीज होगा तो हमारे पास एटीपी बच जाएगा, सॉरी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा, ये क्या है एडीपी, एडिनोसिन डाई, दो है इसमें फॉस्फेट ग्रुप है, मान लो एक फॉस्फेट ग्रुप ये है, एक फॉस्फेट ग्रुप ये है, दो फॉस्फेट ग्रुप है, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, इसमें एक ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये भी एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है, तो तीन हो गए, तो इसका नाम हो जाएगा एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ट्राई मतलब तीन, तो इसमें तीन ग्रुप आपके आ जाएंगे। ठीक है,
कॉम्प्लेक्स फाइव के बारे में हम अभी इतना ही देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको अच्छे से कवर करेंगे, सिर्फ कॉम्प्लेक्स फाइव को। एक बार मैं समराइज कर रहा हूँ आपको, आज हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है, जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, ठीक है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होती है, ठीक है। क्या होता है उसमें, जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है उसमें से जो पाइरूवेट बनता है, उस पाइरूवेट से जो सिट्रिक एसिड साइकिल बनती है, उस सिट्रिक एसिड साइकिल से जो है आपके FADH और NADH और FADH2 रिलीज होते हैं, और उनके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ट्रांसपोर्ट कर होते हैं वन बाय वन इन कॉम्प्लेक्सेस के थ्रू, 1, 2, 3, 4, ठीक है, और लास्ट में 5 कॉम्प्लेक्स में जाके वो एनर्जी जनरेट करते हैं। बस इतना सा ये आज का टॉपिक है। आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।